अस्सलामुअलैकुम। अभी कहते हैं जी यहाँ की लाइट गई हुई है, आप थोड़ी देर बाद आएंगे, जब तक लाइट वाला मसला हल नहीं होता आपको यहाँ से कुछ टाउनशिप की सैर कराते हैं जो कि काफ़ी कंजस्टेड है। वैसे तो ये सैर मोटरसाइकिल पे होनी चाहिए लेकिन देखते हैं क्या आता है। आगे देखें तो ट्रैफिक ब्लॉक सी नज़र आती है। शूज़ की दुकानें और बहुत सी दुकानें जो कि हैं, मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रिक स्टोर, बड़ा कुछ है जी। जराबे शराबे ये पठान भाई हमारे बेचते हैं यहाँ, बूट भी सस्ते। और यहाँ खाबे शाबे भी होते हैं, स्ट्रीट फूड जितना मर्जी। यहाँ पैदल सैर करने के बजाय मैं आपको बाई ड्राइव दिखा रहा हूँ क्या होता है, देखते हैं कितना दिखा सकती हैं। राइट साइड तो वैसे ही वो बहुत पैदल वाला बाजार है, वो तो नहीं, लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे देखते हैं अगर ये जाने देते हैं तो आपको सब्ज़ी फल वाला बाज़ार जिसमें लेफ़्ट राइट कपड़े की दुकानें हैं वो दिखाते हैं। सामने से गाड़ी आ रही है, पता नहीं ये जाने देते हैं कि नहीं। बाज़ार देख रहे हैं आप, हर वो जाने पे ही रुक गया, बन गए तो नहीं, रोकने वाला कोई नहीं है, लिहाजा हम चल रहे हैं। तो एक गाड़ी छागे से आ गई तो मसला हो जाएगा। बाकी अब बाजार आप चेक कर लें, बाकी खैर है। वो ट्रक भी मिनी ट्रक भी आ रहा है, फिश शूज कपड़े तौलिए बेर भी सेब भी सब कुछ। अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा वो भी निकल गया तो निकल गया, ये वन वे तो नहीं है ना, वन वे तो नहीं है, मिलाद हो रही है। लो जी वो सामने मस्जिद में मिलाद हो रहा है, तो अब मैं देखता हूँ मैंने बोर्ड नहीं कहाँ से है। भाई ये वन वे तो नहीं है ना, कहाँ से बंद है? अच्छा गुड, चलो जी वन वे नहीं है लेकिन कहते हैं जी तंबू लगे हुए हैं, तो अब ये वापस कहाँ से मोड़नी है ये देखते हैं। ये मेरी पसंदीदा मार्केट है, जहाँ शाम को तो आपको बहुत ही इकोनॉमिकल कीमतों पे फल फ्रूट सब्जी और एवरीथिंग मिल जाती है, तकरीबन मंडी के भाव। और ये मोड़ने के लिए कैसे मोड़ेंगे, ये तो ये लोग आए कैसे तो जा कैसे रहे हैं, सैटरडे को मुलाकात कर रहे हैं। वो फिश चिकन वो एंड पे जो मस्जिद के साथ ही ना आगे, हाँ ड्राई फ्रूट की शॉप्स हैं, वहाँ से मैं ड्राई फ्रूट लेता होता हूँ और उम्मीद है कि यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगा, उम्मीद तो है। लेकिन वो आगे से तो वो रक्षा आ रहा है तो उम्मीद ख़त्म हो गई, नहीं ख़त्म नहीं हुई।
जो कि मैंने रिस्क ही लिया। किसी ने आगे मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है, लिहाजा इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे और फिर निकलने की कोशिश करेंगे। आगे से गाड़ी जा रही है, हाँ की तो जाती है वैसे मैंने, हाँ जाती वाली बात है। ये नहीं पता था कि आगे से रोड बंद है, मुझे यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यार रक्षा बाहर काट लो मेहरबानी। रक्षा हमें थोड़ी इजाजत दे दी है। हाँ जी गुजर जाएगा, लग तो रहा है गुजर जाएगा। अब यहाँ तक तो ट्रक भी आया हुआ है, तो यहाँ से मैं निकाल लूँ तो अल्लाह का सुन और आइंदा तोहफा, पहले पैदल आके देख लें कि गाड़ी निकल सकती है। ओहो माशाल्लाह, कौन कहता है रोड बंद है आगे से, रोड बंद है, अल्लाह अकबर। ले जी यहाँ से हम मेरे ख्याल में लेफ्ट चले क्योंकि आगे भी रोड अजीब सी लग रही है। ओके ओके आज मेन रोड बंद है, तंबू लगे हुए हैं राइट साइड लेफ्ट साइड पे। खैर खैरियत से अल्लाह के फजल से हम तंग गलियों में होते हुए वापस निकलने में अभी तक तो नहीं हुए कामयाब, क्योंकि यहाँ अल्लाह तौबा है लेकिन निकल जाएंगे। इधर से निकलना पड़ेगा लेकिन हम पैदल सफर पे जाते हैं, पैदल सफर इससे स्लो गाड़ी भी नहीं चल सकती। तो आगे जिसकी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, मैं इनको सलूट मार रहा हूं कि मुझे रास्ता दे दें।
दूसरी साइड पे गड़ा है। वो कहता है मैं पल्ली साइड पे जा नहीं सकता, रेली पलट जाएगी, और मैं तो रियासी भी नहीं जा सकता। लो जी शुक्र है, आइंदा मेरी तौबा पैदल ही जाना। तो जी सर्दियों में भी पसीना आ गया है, आइंदा कोई टाउनशिप मार्केट में ड्राइव करने की कोशिश मत करें, क्योंकि ड्राइव वाली जगह नहीं है। लिहाजा ये हमारी जगह है जहाँ से मैंने सौदा लेना है, और मैं अब यहाँ कहीं पार्किंग देखता हूँ।